पता नहीं प्रशासन इस ईद को किस रंग में रंग दे। और डर था इस बात का कि पता नहीं प्रशासन इस ईद को किस रंग में रंग देगा। बहुत जुल्म किए हैं रामपुर वालों पर, ये 2-3 महीने बहुत भारी गुजरे हैं और हम समझते हैं जो भारी यहाँ गुजरे हैं पूरे मुल्क में ऐसे ही गुजरे होंगे, क्योंकि अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के शब्द सुने हैं अवतार के बारे में, कितनी नापाक सोच है, कितनी गंदी सोच है, कितनी गिरी हुई सोच है, मुल्क के लिए कितनी ख़तरनाक सोच है, कमज़ोर लोगों के लिए कितने तबाहकुन मंसूबे हैं। लेकिन बहरहाल सब चीज़ों का मुकाबला होगा। अजम भाई, लोकसभा चुनाव के बाद सपा और बसपा दोनों अलग अलग अब जो उपचुनाव जो है विधानसभा का लड़ेंगे, क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक पार्टियां तय करेंगी, आपसे मशवरा करके नहीं। तो लोकसभा चुनाव साथ में लड़े काफी, मतलब ये भी कहा था 2022 का चुनाव भी साथ लड़ेंगे, लेकिन अभी बीच में ही उपचुनाव में अलग हो गए। कोई बात नहीं, देखा जाएगा, अभी जरूरी थोड़ी है, जो आप सुन रहे हैं वही सच है। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।